अतिथि तो ये इधर बैठे नहीं नहीं बैठे बैठे क्या हाल पिक्चर तो मतलब अच्छा पक्का देखोगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाँ फन भी है इमोशनल हाँ हाँ क्योंकि वो एक्चुअली वो हाँ दैट्स ट्रू नहीं उसके मोमेंट्स भी हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप अच्छी मतलब फादर डॉटर की इट्स वेरी स्वीट नहीं नर्वस तो फील नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक मेरे हिसाब से कि ट्रेलर अप्रिशिएट हुआ है और जैसे आप बोल रहे हो गाने भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को तो बस यही उम्मीद है कि पिक्चर भी सबको वैसे ही पसंद आए मेहनत बहुत की है और यही कोशिश है कि हम ने एक अच्छी पिक्चर बनाई ये एक कमर्शियल पिक्चर है इंटरटेनमेंट इंटरटेनर है विद अ मैसेज है ये आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे एक क्वेश्चन में पर मैं पहले पार्ट का बताऊंगी कि मैंने बोला फन है क्योंकि जो रिलेशनशिप है एक फादर डॉटर की एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ऐसा फादर्स हमेशा अपने डॉटर्स को चिढ़ाते हैं और डॉटर्स हमेशा अपने फादर्स मतलब दे रैप देयर फादर अराउंड देयर फिंगर करेक्ट संजू सर सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप ऑलवेज और एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है एक टाइमलेस बॉन्ड है एक जो एक जो एक पिता का अपने डॉटर की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट तो दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट एंड देन जो व्हाट दे गो थ्रू एंड क्या होता है एक हादसा होता है उनके साथ एंड हाउ दे ओवरकम दैट बिकॉज ऑफ देयर लव एंड द वे दे स्टैंड बाई इच अदर तो फिल्म उसकी कहानी है तो देर वॉज फन ऑल्सो हमारे जो सीन्स हैं संजू सर और मेरे इज़ वेरी इंडियरिंग एंड मुझे ऐसे बहुत रियल लगा उनके साथ काम करके क्योंकि एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू रिलेशनशिप और केमिस्ट्री है बिटवीन द फादर एंड द डॉटर सो दैट दैट पार्ट वॉज फन ऑफकोर्स द स्टोरी इज इंटेंस मैं एक्चुअली द वे दैट जैसे मुझे बड़ा किया गया है आई हैव द मोस्ट अमेजिंग फैमिली एंड द मोस्ट अमेजिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम पर इट इज़ ट्रू कि एक जो लड़की होती है वो हमेशा अपने फैमिली को नर्चर करती है चाहे वो इवन आफ्टर शी गेट्स मैरिड एंड गोज़ टू अनदर हाउस हर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हर एंड शी इज़ विथ हर फैमिली टिल द वेरी लास्ट सेकेंड एनी थिंग
that the family may need, the daughter will be there. But is it always the case ki ek family apne beti ke taraf same, do they stand by their daughters? I don't know. I hope they do. Because phir ek ladki ko kabhi ye sawal dobara puchna nahi padega. It should be like that. Ki uska ghar, जहाँ भी वो रहे उसका घर वहीं होना चाहिए. एंड इवन द होम दैट शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड शुड बी अ होम फॉर एवर. शी कांट बी अ होमलेस पर्सन कि ना यहाँ ना वहाँ. इधर इट्स द फादर्स नेम और द इन लॉज नेम, ऐसे नहीं होता. शी इज़ अ पर्सन इन हर सेल्फ एंड शी शुड फील लाइक दैट ऑल्सो. और भूमि द रीज़न कि मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड आई थिंक इट विल रेजोनेट विद एवरी गर्ल इन दिस कंट्री इज़ बिकॉज भूमि के जो बाबा हैं ही स्टैंड्स बाय हर डॉटर लाइक दैट. ही एम्पावर्स हर. वो एक बहुत फ्री स्पिरिटेड लड़की है एंड वो प्यार से पली बड़ी है, रिस्पेक्ट से पली बड़ी है, विच इज़ वाई शी इज़ द वे शी इज़ एंड शी हैज़ द करेज विथ हर फादर टू टेक ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस. एंड वी शुड मेक आ गर्ल्स बी दो लाइक दैट ऑलवेज. With a similar theme where a daughter goes through a physical and psychological traumatic incident and the mother takes her revenge. So is there any thought in the back of the mind of the team that there may be some undue comparison with that film? See, I'll tell you one thing. Every film is compared to every other film in the world right from the beginning when the film started. Okay, so there the topic may be the same, but the treatment is different, the scenes are different. A father and daughter's bonding is a very, very special bonding. A mother and son bonding is a very special bonding. But a father and daughter bonding is something else. And this film has its own feel, has its own content, has its own support system, and has its own love story between the daughter and the father. मैं किसका जवाब दूंगा? सर सबसे पहले तो आदिति के फादर प्ले कर रहे हैं आप इस फिल्म में और रियल लाइफ में भी आप फादर हैं. तो आदिति और आपकी बेटी में क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं आप और शूटिंग के दौरान, मतलब ऐसा कोई पल था जब आप? वो मेरे में सिमिलैरिटीज तो मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मेरी बच्ची 6 साल की, आदिति 6 साल की है क्या? लेकिन नहीं, हम लोग ने कभी मैंने कंपेयर नहीं किया है. मैं अरुण सचदेवा और ये मेरी बेटी भूमि थी और जिस हिसाब से मुझे उस वक्त फील हुआ मैंने वैसे ही परफॉर्म किया. बाबा, ऑन लोकेशन के दौरान हमने देखा कि अदिति कहती है कि आइए मैं आपके बाल को डाई कर देती हूँ, आइए मैं आपके बाल पंखे में डाई. जब इस तरह से एक रियल लाइफ में या इस तरह से कोई कहता है कि मैं आपके बाल डाई कर देती हूँ तो क्या फील करते हैं आप इस तरह की? तो डाई करना कौन सी बुरी बात है? एक बेटी और डैडी का रिलेशन. हाँ, तो मतलब कि छोटे शहरों में ऐसा ही होता है. और मुझे याद है जब मैं जेल में था तो वहाँ डाई नहीं मिला, वो दूसरा मिलता था गोदरेज का, तो ऐसा लगता था कि मैंने वो डांबर लगा दिया दाढ़ी में. तो फिर मैंने वो लगाना बंद कर दिया. बोला कोई डांबर नहीं लगना चाहिए, तो वैसे ही कर दिया. तो एक छोटे शहरों में ऐसा ही होता है. अगर कहीं बाल पे मैं एक पति नहीं लगा तो उसकी पत्नी लगा देती है या उसकी बच्ची लगा देती है. तो ये छोटे शहर की कहानी. बाबा, ये बीइंग अ वेरी टॉपिकल फिल्म कंसीडरिंग टुडेस टाइम्स, डू यू एंड यू हैव बीन लिविंग आज टू डिफरेंट एरास, डू यू थिंक सर टुडे द कंट्री इज मोर अनसेफ फॉर वुमेन कंपेयर्ड टू व्हेन यू वर यंगर? Yeah, it is unsafe for women, it's unsafe for children. Look at what happened yesterday in the school in Gurgaon. I think it's shameful. It's shameful for something like that to take place in a school with a 7-year-old kid, a child. I mean, you keep reading about these rapes and molestations. I mean, I don't think it's the right thing. I mean, I think people should be educated enough because I believe in women empowerment. I believe in beti bachao, beti padhao. I believe in
सेव द गर्ल चाइल्ड, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. जब छोटे से लेके बड़े तक मैं हमेशा स्त्रियों के साथ पला हूँ, चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहनें हो या मेरी बीवी हो या बच्चियाँ हो, तो आई मीन आई थिंक वी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी कंडेम्ड एंड अ फास्ट ट्रैक ऑफ अ जस्टिस सिस्टम शुड टेक प्लेस. अभी इसको जो जिसने अभी ये बच्चे को मारा है उसको आप केस चलाओगे, फिर वो बड़े कोर्ट में जाएगा, उससे बड़े कोर्ट में जाएगा, क्यों भाई? दैट्स ब्रूटैलिटी. सो आई मीन आई थिंक वी हैव टू लुक इनटू इट. आई डोंट नो अबाउट द पास्ट 3-4 ईयर्स, बट आई रिमेंबर के जब मेरा बचपना था तो ऐसा कुछ हम लोग सुनते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं ये कुछ अभी क्या हो गया, पता नहीं. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट आई मीन जस्ट इट्स सैड दैट आई मीन पीपल आर गेटिंग मर्डर्ड लाइक दैट, एंड पीपल हु मैटर, पीपल हु आर जर्नलिस्ट्स एंड यू नो पीपल, आई मीन आई जस्ट फील सैड अबाउट इट, यू नो, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट I think that it, today in our country, any voice of dissent is not, you know, taken very well, and that is a problem. But that is so even with girls, like this whole thing of consent, a voice of dissent, anything that is anti-establishment, all that is looked at as a problem, and very these kind of extreme measures are taken. So that is a very, very big issue. Okay, Baba, apart from this, you're coming back to this movie, Bhoomi, any khas shaksiyat industry, there's so many friend, close friend of yours, feedback, which include the Bachchan, there's so many, you know, Rajkumar and Nami sahab and all, kisi ke liye khas training rakhna chahiye ya kisi ko dikhana chahte hain before the film? Producer! Main kya bolun yaar, wo to producer. I would love it. Bachchan sahab or Rajkumar? Both. Why do we have to choose? But I main naam nahi lena chahungi, because I feel like when people call you and tell you something, then it's, you know, it's something personal that they are encouraging you, ki wo aapko badhawa de rahe hain, wo aapko, you know, aapko encourage kar rahe hain. To par yes, there have been calls from people I least expected calls from, because I don't know them so well, but unhone mera number dhoond ke mujhe call kiya, aur a lot of them are very, very close to Sanju sir, and they told me about it also, ki how close they are to Sanju sir is like family to them. So I feel really lucky ki mujhe ye opportunity mili to be a part of Bhoomi, to have the opportunity to work with Sanju sir, and that too in a father-daughter story. Because it just makes it everything more and more and more special. So the feedback has been amazing, and apart from the industry, just from people on Twitter, Instagram, fans writing in, so it's been really amazing, very, very amazing. Even from the South I've gotten messages, so it's really been very, very heartwarming. Okay, so the vibe is really positive around the film, whether it's trailer or teaser or everything, you know. Long back you have done a film called Pita with Mahesh Mandlekar and Mita Das, you know. Do you find some similarity between Bhoomi and Pita? If not, what do you think about that? I mean, I just told this gentleman out here, I said, like, see, every movie is compared to every movie since the time movie industry started. ठीक है? वही माँ है, वही पिता है, वही विलन है और वही हीरोइन है, वही गाने हैं, तो वो सब आप शुरू से लेके अभी तक देख सकते हो. लेकिन उस पिक्चर की ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसमें सीन्स कैसे होंगे, उसमें क्या लाइट पोर्शन होगा, वो सब बहुत डिफरेंट हो जाता है, समझे? तो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. Can I please first say that the biggest hero is a father. For a girl, the biggest hero is the father.
मैं बोलूं करेक्ट थैंक फॉर दिस नंबर 3 जेंडर दोस लार्जर देन बेबी यू मे गेट टाइप का डिड यू एवरीथिंग यू मेक अ टाइप का सेंस डैडी फादर रोल्स आर सी आई विल टेल यू वन थिंग आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ फादर आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अरुण सजदीर आई प्लेड रितिक्स फादर इन मिशन कश्मीर व्हिच इज अबाउट 12 इयर्स अगो सो आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट टाइम माई मदर प्लेड मदर इंडिया व्हेन शी वाज 26 इयर्स तो उसके बाद क्या उसको माँ का रोल मिला था श्री 420 में नहीं ना तो फिर वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड दैट्स हाउ वी पोर्ट्रेट मे बी द नेक्स्ट मूवी विद हर आई मे बी हर किडनैपर इसको किडनैप करके ले जाऊंगा यू नो नो यू नो Not written. Yeah, heroic characters, the larger than life characters like Mr. Bachchan played in his films. There are not many written in today's time. Well, I think you're wrong about that. I mean, there are many characters which have been offered to me which are larger than life and they are heroes and they are tough, my age kind of guys. Like you see Liam Neeson or you'll see Mel Gibson, Denzel Washington. I mean, these are roles I'm being offered today, which is very good, you know. The tough middle-aged guy, you know. So, ऐसी बात नहीं है. Plus, अभी Spider-Man का बाप का भी रोल मुझे मिलने वाला है. भैया जो मुझे पता चला है जो मेरी बातें हुई हैं राजू से या विनोद जी से कि मुन्ना भाई का स्क्रिप्टिंग शुरू है और अभिजात स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उस पर और जैसे इसकी शूटिंग ख़त्म होगी बायोपिक की वो राजू जी उस स्क्रिप्ट पे बैठना शुरू करेंगे एंड देखिए अगर आप सबकी प्रार्थना अगर भगवान ने सुन ली तो अगले साल तक पिक्चर शुरू होगी बाबा कुछ टाइम पहले एक टीजर आई थी कुछ साल पहले मुन्ना हाँ जी 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 उसी लाइंस पे नहीं आई डोंट थिंक सो क्योंकि मेरे को अमेरिकन वीज़ा नहीं मिलता है तो चले अमेरिका कैंसिल है थैंक यू आई एम वेरी हैप्पी Progress, you got to ask Raju ji and unse poochhe progress kya hai. So being a father and having two daughters. I love them. Are you worried like in the current scenario and things that those are happening? Plus your movie deals with a very important message that having a girl child, does it worry you? It'll worry any family, you know. It'll worry any family. I think there should be a tough stand taken against them. Thank you. Come on.